स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। पार्वती भाभी का आदमी जैसे मारा गया था ना, वैसे ये भी मारा जाएगा। हाँ, अपना सरजू भी ऐसे ही मारा गया था। मालिक के खिलाफ जिसने भी आवाज उठाने की हिम्मत की वो मारा गया है। फिर नया नया जोश है ना, पता चल जाएगा। हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? इतनी हिम्मत कैसे हुई इस बेकसूर को मारने की? मुझसे बराबरी करता है? बराबरी नहीं, इंसाफ कर रहा हूं। मार डालो ये लड़के को। लड़का जिंदा है क्या? मालिक का हुक्म ना मानने की सजा नहीं भुगतोगे तुम? भड़कोगे तुम और देखेगा पूरा गांव। मानने से क्या होता है वो आज तुम सब लोग देखोगे।
पार्वती भाभी का आदमी जैसे मारा गया था ना, वैसे ये भी मारा जाएगा। हाँ, अपना सरजू भी ऐसे ही मारा गया था। मालिक के खिलाफ जिसने भी आवाज उठाने की हिम्मत की वो मारा गया है। फिर नया नया जोश है ना, पता चल जाएगा। हाँ तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? इतनी हिम्मत कैसे हुई इस बेकसूर को मारने की? मुझसे बराबरी करता है? बराबरी नहीं, इंसाफ कर रहा हूं। मार डालो ये लड़के को। संजम जाओ, मैं जी को जाकर संभालू। लौट। आप दोनों अंदर जाइए। पर बेटा, आप चिंता मत कीजिए, ऐसे जाने कितने देखे हमने। सब लोग फौरन यहां से चले जाओ। चले जाए भाई, क्यों? ये जो भी कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब बस तुम सब लोग यहां से जल्दी चले जाओ। इसमें गलत क्या किया हमने? कितनी बेरहमी से मार रहा था वो आपको। हम वहां खड़े रहकर तमाशा तो नहीं देख सकते थे? वो ठीक कह रहा है बाबा, जानवत को अपने पापों की सजा मिलनी चाहिए। एक तो पहली बार हमारी मदद के लिए कोई आगे आया है, उसकी मदद लेने के बजाय आप उसे जाने को कह रहे हैं। मुझे लगता है जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। बस लाजोब चुप भी हो जाओ, ये लोग तो परदेसी हैं, मालिक को नहीं जानते।
लेकिन तुम भी भूल गई क्या? लेकिन कौन है ये मालिक और आप सब उससे इतना डरते क्यों? मालिक कई सालों से पूरे गांव पर राज कर रहा है। दिन रात सबको अपनी उंगलियों पर नचाता रहता है। जिस किसी ने भी उसकी बेइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की वो जिंदा नहीं बचा। मालिक दरिंदा है, इंसान के रूप में शैतान। कौन है जो मालिक के भाई को हाथ लगाने की हिम्मत कर सका? जी वो मालिक वो पांच लड़के थे। कौन पांच लड़के? वो बोलो! वो परदेसी है मालिक, हमारे गांव के नहीं। कोई नहीं बचेगा। वो लड़के और ना ये गांव। जाओ जाकर अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू करो। चौथा खत्म होते ही मैं सारे गांव को जलाकर राख कर दूंगा। कह दो गांव वालों से गांव के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दें। वैद्य जी लड़कों को बाहर निकालो। भगवान के लिए तुम चले जाओ यहां से। जो तुम्हें करना था वो तुमने कर लिया। अब अगर तुम यहां से चले गए तो शायद हम गांव वालों की जान बच जाए। गांव का मुखिया होने के नाते मैं गांव वालों की ओर से आपसे विनती करता हूं, बस चले जाइए। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इस तरह से कब तक डरकर जियोगे तुम लोग? एक आदमी तुम्हें डरा धमका कर तुम्हारी गांव पर तुम्हारी जिंदगियों पर राज करता है और तुम उसे मालिक कहते हो? वो मालिक बना है तो सिर्फ तुम्हारी डर की वजह से। तुम होते कौन हो हमें ये सब कहने वाले? क्या तुम्हें पता भी है मालिक की ओर आंख उठाकर देखने वाले के साथ यहाँ क्या होता है? तुम इतने सारे लोग हो, अगर तुम सब मिल जाओ तो तुम उससे लड़ सकते हो। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ नहीं बिगाड़ सकता? वो देखो वहां सरजू का बाप। पूछो उससे कि वो अपने दूसरे बेटे को भी शहीद होते हुए देखकर खुश होगा। और वहां देखो पार्वती भाभी को,
उसके आदमी ने भी तुम्हारी तरह हिम्मत की थी। आवाज उठाओ, लड़ो। क्या हुआ हाँ? उसे भी हमेशा की तरह मालिक ने चुप कर दिया। पूछो पार्वती भाभी से, क्या वो अपने बिटुआ को तुम्हारी सेना में आने देगी? पूछो। मालिक से लड़ोगे, सेना बनाओगे, मुर्दों की सेना? क्या जानते हो तुम हमारे बारे में? तुम चले जाओ बस। और अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो इसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देगा। जाओ अपने अपने घर जाओ, मेरी बात और काम पे लगो। जाओ पृथ्वी, जब ये खुद अपनी मदद नहीं करना चाहते तो फिर हम क्या कर सकते हैं? इससे अच्छा तो यह है कि हम खजाने के खोज में निकल जाएं और मासा के कहने। हम तुम्हारे साथ हैं। कहते हो बेटा, ये गांव वाले तो सिर्फ अपने डर से लड़ना नहीं चाहते। मालिक को मालिक भी तो इन गांव वालों ने ही बनाया है। ये लो, तुम्हारी सेना का पहला सिपाही। हाँ पृथ्वी, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।